उदाहरण 11। धातु के बने एक गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। यदि धातु का घनत्व 8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हो तो गोले का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। हल, हम जानते हैं कि आयतन और घनत्व का गुणनफल द्रव्यमान के बराबर होता है, इसीलिए हम पहले गोले का आयतन ज्ञात करेंगे। मान लीजिए कि गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो R बराबर हमारे पास दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। गोले का आयतन बराबर 4/3 π r³ होता है, बराबर 4/3 π का मान 22/7 और त्रिज्या जो है हमारी 3 है 3³, बराबर 4/3 × π/7 × 3 × 3 × 3, बराबर इसका मान हो जाएगा 113.14 घन सेंटीमीटर। चूंकि धातु का घनत्व 8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, अर्थात 1 घन सेंटीमीटर धातु का द्रव्यमान आठ ग्राम है, इसीलिए गोले का द्रव्यमान बराबर आयतन गुणित घनत्व। हम जानते हैं कि द्रव्यमान बराबर आयतन गुणित घनत्व। हमने आयतन ज्ञात किया, गोले का आयतन 113.14 गुणित 8 बराबर, इसको गुणा करने पर हमको प्राप्त होगा 905.12 ग्राम और कहीं हम इसे ग्राम को किलोग्राम में करेंगे तो 905.15 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम होता है, तो ये हो जाएगा 0.9051 किलोग्राम किलोग्राम लगभग। तो इस तरह से हमने गोले का द्रव्यमान
ज्ञात किया 0.9051 किलोग्राम लगभग। यह इस उदाहरण का हल होगा।